हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हस्त पुष्ट होंगे और खुश खुशहाल होंगे। हमारे यहाँ मौसम कितना खुला खुला है, धूप छाँव धूप है। और चलिए आज रक्षाबंधन है, आप सबको मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज मेरा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, ऐसा बोलेंगे। और चलिए सवेरे 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 भी नहीं, कितना बज गया, 9:30 सवेरे से फ़ोन चालू है मेरे को बर्थडे विश करने के लिए। तो बात करते करते 9:30 हो गया मेरा, ये इन्होंने पी भी लिया इनका जूस मेरा पड़ा हुआ है। अभी हम आपको दिखाने के लिए रखे थे कि आपको दिखाएं कि देखिए हम सवेरे सवेरे लौकी का जूस पी रहे हैं, उसके आधे घंटे के बाद चाय पियेंगे। उसके बाद तो आज भद्रा है तो भद्रा के वजह से 1:30 बजे के बाद से राखी बंधाएगा। तब तक मेरा आज कोई दोनों मेट नहीं आएगी, तो मेरा झाड़ू पोछा करने के बाद सब काम नहा धो के आएंगे, उसके बाद फिर किचन में अपना जो आज बनाना होता है वो बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम मेरे जीजा जी से बात कर रहे थे, उस दौरान 3 बार कॉल आ गया मेरी एक भाभी का, तो भाभी का और भैया का, तो उनसे भी बात करेंगे। मतलब पहले ब्लॉग स्टार्ट कर ले फिर उनसे बात करते हैं। तो चलिए लौकी का जूस पीते हैं और अपना जन्मदिन का शुरुआत लौकी के जूस से करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, आज का क्या है प्रोग्राम कैसा है आपको बताते चलेंगे। देखिए कितना कड़ा धूप निकला है, दिख रहा है गर्मी, हवा बंद है, इतना गर्मी लग रहा है। चलिए ये रूम के ये वाला चादर आज निकाल दें धोने में, इसको धूप है तो अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ दूसरा चादर बिछाते हैं, मेरा ये ब्लैंकेट भी धो देते हैं, मेरे चंगू मंगुलों को सब अपनी अपनी जगह रख देते हैं। अभी फिर जा रहे चाय बनाते हैं, फिर झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, फिर नहाने जाएंगे। चलिए मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नहा धो के पूजा कर लिया घर में, फिर मंदिर भी, शंकर भगवान के मंदिर भी दर्शन करके आ गए, हमारे सोसाइटी में ही है। दर्शन करके और पूजा करके जल चढ़ा के आ गए हैं घर पे। अभी बेटा को भेजा है सामान लाने, अब हम घर पे चेंज कर लें। हम जो ड्रेस पहने वो पहन के तो किचन में काम नहीं कर सकते हैं, चेंज कर लें। उसके बाद फिर सिवई बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, सब्जी में पनीर की सब्जी बनाएंगे, बेटा का फेवरेट। और फिर 1:30 बजे के बाद जब राखी बांध लेंगे हम गणपति बप्पा को, इनकी बहन को फ़ोन करके पूछ लें वो कितने बजे आएंगे, फिर खा पिएंगे, मतलब बनाने के बाद राखी बांधने के बाद फिर खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और राखी के साथ साथ अपना बर्थडे मनाएंगे। देखते हैं कैसे, हमको भी नहीं पता। चलिए अभी एक दो फोटो सेशन कर लें हम, उसके बाद फिर काम पे लगते हैं, जब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा सामान लेके। चलिए फ्रेंड्स, मेरा खाना बनना मतलब चालू हो गया। अभी हम सिवई बना रहे हैं, दो तरफ दूध गर्म कर रहे हैं, एक तरफ सिवई के लिए और एक तरफ अलग से, क्योंकि अगर सिवई में घटेगा, क्योंकि सिवई दूध पीता है ना, सोक कर लेता है, तो ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें डालेंगे। और यहाँ हमने पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लिया, अब आपको दिखाते हैं। पनीर भी मंगवा लिया है बेटा से, पनीर का तैयारी कर रहे हैं। पहले सोचे थे कि मिर्ची वाला हाथ लग गया मुँह में, और मिर्ची का आटा लग गया मुँह में, जल रहा है। अरे या हाँ, तो हम पनीर मंगा लिए हैं, तो पनीर और कैप्सिकम डाल के पनीर की सब्जी बनाएंगे। काजू और बादाम को हमने ये करने रख दिया है सोक करने, जो इसमें भी पड़ेगा, पनीर में भी पड़ेगा और खीर में भी, सिवई में भी पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं अभी जो छोटा मोटा हम तैयारी किए हैं, काम करने पे तो मैसी हो जाता है। चलिए देखिए अभी हम क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूड़ी के लिए आटा तैयार कर दिया, बस थोड़ा सा फूल जाए फिर तेल डाल के चिकना देंगे। और यहाँ वो रोस्टेड वाला सिवई मिलता है छोटा छोटा वाला, वो नहीं मिला हमको, था कि घर पे रखा होगा लेकिन ख़त्म हो गया, तो ये लंबा वाला मंगाया, तोड़ तोड़ के बनाना पड़ा, तो पूरा स्लैब सब जगह पे गिर गया। ये दूध में हमने दूध मसाला डाल के खोलने रख दिया है, अच्छे से खोल आ जाएगा तब ये सिवई डाल देंगे इसमें। और ये तो बहुत जल्दी गल जाने वाला है, ये पतला वाला है ना, और ये पनीर की सब्जी के लिए और इसके लिए सिवई के लिए भिगो दिया है। ये पनीर बेटा लेके आया है, अभी कैप्सिकम काट लेते हैं, फिर पनीर का तुरंत सब्जी बना देंगे। इसमें हम सब मिला के एक साथ
बादाम काजू ले डाल के ऐसे हम इसको सौते करके बनाते ना तो उसका अलग कलर आता, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो फटाफट ऐसे ही बना, सबको भूख लग रहा है तो 1:30 बजे के बाद सब खाएंगे। तो हम इसी में काजू बादाम डाल के पीस लेते हैं एक एक मुट्ठी, थोड़ा रिच फ्लेवर भी आ जाएगा और मेरा बेटा को पसंद भी आता है। चलिए पीस लेते हैं, दूध खौलता है तो उसी में डाल के उसका तैयारी करते हैं। फिर फटाफट आटा पूड़ी, और जब मौसम देखिए, और जब पूड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये दो काम किसी में टाइम नहीं लगेगा, बस प्रिपरेशन हो गया फटाफट बना लेंगे। और हमने मेरे गणपति जी को अभी अभी राखी बांध दिया, क्योंकि ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर हम पूजा करने लायक नहीं रहेंगे, मे बी ऐसे मेरे को फील हो रहा है। तो हम बोले कि भगवान ने ही सब बनाया है, तो हम पहले गणपति जी को राखी बांधते हैं, बस कब से बांधते आए हमको भी याद नहीं है, तो उनके लिए भी राखी बांधते हैं और अपने सभी भाइयों के नाम से भी उनको बांधते हैं। तो हमने अभी राखी बांध दिया, अब बाद में बांधने का मौका मिले नहीं मिले, तो हमने मंदिर में भी बांध के आए थे, यहाँ भी नीचे भी हमारे जो गणपति जी हैं वहाँ भी बांध दिया हमने बिल्डिंग में, और अपने घर पे भी हमने बांध दिया। तो अब जो अभी जो हो सो हो। तो मेरे हस्बैंड को बोला है कि जो मेरी मुँह बोली ननद आने वाली थी तो वो मायके गई हुई है, उनके पापा का जैसे पहले बोला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोली कि वो आज तो आ जाएगी लेकिन वो फ़ोन करके आएगी, शाम तक आएगी, तो या तो कल आएगी या तो आज शाम तक 8 बजे तक या 9 बजे जब भी वो टाइम मिले फ़ोन करके आएगी बोली है। तो हम बोले एक काम करिए, मुहूर्त हो जाएगा तो दोनों बाप बेटा एक दूसरे को बांध लेना राखी अपने अपने बहनों का, वो आएगी तो वो अपना बांधेगी। चलिए मेरे मुँह में जलन हो रहा है, मिर्ची वाला हाथ लगा लिए। चलिए मिलते हैं जब हम आगे का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन कोई भी बहन अवेलेबल नहीं है, तो दोनों पापा बेटा आपस में एक दूसरे को राखी बांध रहेंगे। अभी 1:45 हो गया है, मुहूर्त राखी का शुरू हो गया है, आपस में बांधेंगे और फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। एक दूसरे को राखी बांधो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तिलक कीजिए, लड्डू खिलाइए। आपका करना और वहाँ का करना अलग है, बड़ा मैं ही किया हूँ। लड्डू खिलाइए, अरे खिलाइए, कैसा आप लोग कर रहे हैं प्रभु इन लोग को। एक बांधो पापा को तुम, बाद बाकी बुआ आएगी तो वो बांध देगी, जानकी बुआ। अभी एक एक तुम लोग एक दूसरे को बांध लो। ऐसे मोड़ दीजिए ना हाथ। तिलक कर दो पापा को। एक एक लड्डू खाओ दोनों, एक दूसरे को कवर दो, एक दूसरे को कवर दे दो, 5-5 100 का या तो 1-1 100 का या तो 5-5 रुपया ही दे दो। चलो तुम लोग का लड्डू खाना तो होगा नहीं। कंजूसी में भी हद है। चलो अभी हम चलते हैं, कंजूसी में भी हद है, इन लोग ने बांध लिया राखी एक दूसरे को। तो चलिए मेरा क्या क्या बन गया आपको दिखाते हैं, और हम गरम गरम पूरी छानने जा रहे हैं। तो देखिए देखिए मेरा सिवई बन के रेडी हो गया, हलवा हो जाता पतला वाला सिवई। पनीर बन गया मेरा, ये सलाद काट दिए हैं, यहाँ तेल गरम कर रहे हैं, गर्मा गर्म पूरी छान देते हैं और थोड़ा सा पापड़ छान देंगे, और जब हम खाने बैठेंगे तब मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा खाना रेडी, सिवई, पनीर की सब्जी, फ्राइम्स, सलाद, अचार और पूरी। चलिए हम लोग सब खा रहे हैं, खाने के बाद मिलते हैं आपसे। जैसा कि बोला था कि मेरा चादर चेंज किया है,
तो चादर के साथ ही ब्लैंकेट और ये अपना कपड़ा सब धो दिए हैं। चादर तो इधर सूख रहे हैं, सवेरे ये सब चादर धो दिए थे, हाँ सूख गया चादर। तो चलिए हम ये सब चेंज करके दूसरा कपड़ा डालें और जो सूख गया है अलग रखें। चलिए फिर आराम करते हैं, बाहर ऐसे ये धूप छाँव मौसम है। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाम के 7:15 हो गए हैं, 7:15 होने को जा रहा है, हो गया है, आई मीन सूरज ढलने की ओर है। अभी सोच रहे हैं क्या करें, हम हस्बैंड जी वॉक पे गए हैं, वॉक से आएंगे तब पूछते हैं कि क्या बनेगा खाने पे। बेटा को दूध दे दिया, हमने चाय पी लिए, उसके बाद फिर हस्बैंड जी वॉक पे गए, आएंगे तो संध्या बत्ती देंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे खाने के लिए, हम उनसे पूछ के। अभी मेरे को भी कुछ नहीं पता है। चलिए कपड़ा सब उठा लिए, बस फोल्ड करना है, बेटा भी सोप उठा दिया, बिस्तर ठीक करना है, तकिया सब इधर को उधर है। चलिए नींद मेरे को बहुत आ रहा है, वहाँ टी वी चालू करके हम इधर आ गए। चलिए मिलते हैं आपसे, तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा, जब कुछ करना होगा, क्या बनाना होगा, तब आपसे मिलते हैं। इनको हमने सुबह राखी बांध दिया, देखिए काफ़ी टाइम से इनको राखी बांधते आ रहे हैं, मेरे को सबको बांधने से पहले हम इनको ही बांधते हैं। इनको लड्डू खिला दिए, आरती कर दिए, लेकिन सॉरी आप लोग को वीडियो नहीं दिखाए उस समय, क्योंकि कौन बनाएगा मेरा वीडियो, हम अपने ही बनाएंगे। चलिए कोई नहीं, अभी बैठ रहे हैं, बैठ के नींद भी आ रहा है, बैठ भी जाएं, थोड़ा देर बैठते हैं, हस्बैंड जी आते हैं उन्हें बॉक्स से। भाई साहब बेटा को दूध दे दिए हैं, जबकि ज़्यादा गर्म दूध नहीं दिए हैं, हल्का ही गर्म दूध दिए हैं कि पी सके, लेकिन वो ठंडा हो जाएगा। चलिए तो क्या करें, मिलते हैं नींद, सॉरी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि क्या करना हो तो आपको डिसाइड करेंगे तब बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम रेडी हो गए, जो सवेरे हम ड्रेस पहने थे वही अभी पहन लिए हैं, और मेरा बेटा मेरे लिए केक लेके आया है, हम केक कटिंग करेंगे और उसके बाद बाहर जाएंगे खाने के लिए। सो कुछ नहीं बनाया हमने, जो सवेरे का सिवई है वो रात को हम लगा के स्वीट डिश के तौर पे खाएंगे, वैसे भी केक है स्वीट डिश के तौर पे, कुछ भी खाएंगे चलेगा, मज़ा आएगा। अभी बाहर जाएंगे, अभी क्या कहाँ जाएंगे खाने पता नहीं, क्योंकि आज क्या बोलते हैं, आज रक्षाबंधन है तो सब जगह बहुत भीड़ होगा, लेकिन हमने बोला देख लेंगे, हमको वैसे भी चटपटा कुछ दूसरे के हाथ का बनाया हुआ खाना है। तो अभी हम रेडी हो गए, उन लोगों को बोलेंगे तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक हम एक दो रील्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम केक कटिंग करेंगे और फिर बाहर जाएंगे। अभी केक कटिंग करेंगे तब आप लोग को उसका वीडियो दिखाएंगे, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड ने, हमको तो पता चल गया था लेकिन भी कोई बात नहीं। चलिए केक कटिंग करेंगे, मेरा देखते हैं मेरा फेवरेट आया है कि इसका फेवरेट आया है, केक कटिंग करेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे। चलिए तब तक हम एक दो रील्स बनाएं, फिर मिलते हैं केक कटिंग के टाइम। देखिए फ्रेंड्स मेरा बेटा केक खोल रहा है, केक का क्या अनबॉक्सिंग कर रहा है, देखिए केक अनबॉक्सिंग में क्या है केक में, फिर हम लोग मिलके केक काटेंगे। कितना स्लोली काम है इसका, बाप रे, इतनी देर में तो हम पूरा डब्बा साफ कर जाते। ये खुल रहा है धीरे 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 धीरे, खुल गया। कौन सा केक आया, पाइनएप्पल है, मिनी व्हाइट फॉरेस्ट आया है, चॉकलेट और पाइनएप्पल नहीं आया। चलो कोई नहीं, क्या लिखा है इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी लिखा है, हैप्पी बर्थडे मम्मी, बढ़िया है। चलिए केक के सामने हम बैठ गए हैं, चाकू किधर है, आओ केक कटिंग करें, हैप्पी बर्थडे टू यू करें।
हम कैंडल ब्लो नहीं करते इसलिए कैंडल नहीं जलाएंगे, हम ऐसे ही अपना केक काटेंगे, ठीक है? तालियां। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जॉनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ आओ मियो, पापा आओ। मुंह लटका के केक काटो जी। फिर से करो। ये बोल रहा है कि डाइटिंग कर रहा हूँ। इतना हो रहा है? किस एंगल से ले रहे हैं वीडियो? आइए आपको भी केक खिलाएं, बेटा को दे दीजिए कैमरा, ले लो बेटा, इधर ही पहले अरे खाई ना, हम इसी में हम खा लेंगे। लीजिए आप लोग भी खाइए, आइए मेरे साथ केक खाइए, बहुत टेस्टी केक है। चलिए हम लोग साईनाथ पटेल पाव में आए हैं डोसा खाने। यहाँ पटेल पाव भाजी है, यहाँ साईनाथ डोसा है, साईनाथ डोसा खाते हैं। पटेल पाव भाजी तो वो भी अच्छा है ना। चलिए जब तक डोसा ऑर्डर किए हैं तब तक हम इडली और वड़ा खाते हैं। डोसा आने में टाइम है, हमको भूख लग गया है, ये खाते हैं जब तक। देखिए मैसूर मसाला आ गया, सब खाने भी लगे। चलिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर, और आपको दिखाया था जैसे कि हम इडली वड़ा मंगाए थे अपने लिए, तो बड़ी कस के भूख लग गया था मेरे को, 9 बज गया था, और फिर मैसूर मसाला डोसा मंगाया, उसी में हम लोग तीनों का हो गया। एक सादा मंगाया, पेट फुल। बेटा अपने फ्रेंड के साथ गया था तो वहाँ थोड़ा सा खा लिया था तो वो नहीं ज़्यादा खाया, और मेरे हस्बैंड जी को एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने भी थोड़ा सा खाया, लेकिन हमने तो अपना बर्थडे में खूब पेट भर के खाया। डोसा तो मेरा फेवरेट है, और साईनाथ का डोसा बहुत ही अच्छा है। सूरत में साईनाथ डोसा इज़ बेस्ट, मतलब बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, और सबके मुकाबले इनका सांभर चटनी मैसूर मसाला का जो मसाला होता है वो सब बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, बाय, हैप्पी रक्षाबंधन अगेन।